केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। जलंधर को शर्मसार करने वाला एक मामला फिर से उजागर हुआ था, जिसमें एक नेपाली व्यक्ति जो कसाई का कार्य करता है, उसके द्वारा मात्र 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस घटना ने जलंधर को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है और इसका कारण बना है एक नेपाली कसाई। इस दरिंदे द्वारा मात्र 10 माह की दूधमुन ही मासूम बच्ची से मुंह काला किया गया। घटना जालंधर के गाजीगुल्ला क्षेत्र की है। यहां रहती मासूम बच्ची की मां का उसी क्षेत्र में मीट की दुकान चलाने वाला लाल बहादुर नाम का एक नेपाली व्यक्ति मुनभोला भाई बना हुआ था। कल बच्ची की मां बच्ची को छोड़कर कहीं काम से बाहर चली गई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्ची बुरी तरह से रो रही थी, वह खून भी बह रहा था। सारा मामला समझने के बाद जब वह अपने पति को साथ लेकर लाल बहादुर की दुकान पर पहुंची तो आरोपी ने पहले तो दुकान का शटर गिराकर दोनों को मारने की धमकियां दी और मामला तूल पकड़ते देख फरार हो गया। जानकारी मिलते ही एसएचओ मनमोहन सिंह ने कार्यवाही करते हुए पर्चा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी दलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी पर 376 की कार्यवाही कर पर्चा दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। दो बच्चे के स्कूल पढ़ते हैं, 12:30 बजे स्कूल अपने दूसरे बच्चे लैन वास्ते जाना जी। अपने 10 भिंडिया की बच्ची गई अपने गुआढ़ी को खड़ा चली गई। जो तो 1 बजे आई उन्हें देखा कि मेरी बच्ची आ लो लुहान कोई शक प्यार मिलने ने कोई हरकत की है बच्ची के नाल। वो उस तरह बच्ची लैके तो छाने पहुंची, थाने पहुँच के ही उसके लेडी अपनी ASI रविंदर कौर ने SHO ने पर्चा दर्ज करके पत्रकार भी शुरू कर दिया। सर की नाम है, की काम करता है? नाम नहीं दसा, वैसे काम ही करता, मीट की दुकान है, फिर उसके घर का गुआढ़ी ठीक है। कितों पढ़िया गया सर? गाजीपुर पढ़िया गया, उसके घर मेरे घर। सर की कार्रवाई की? कार्रवाई 376 का पर्चा देता दिता, अगर फोन आऊंगी उस तो बाद अगला कार्रवाई करेंगे। ऐसी दे मामले हो भी सर तो दर्ज के पहला मामले था? पहला मामला। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल KPD न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।